गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज शनिवार है, सैटरडे, टाइम हो रहा है सुबह के 11:22 और छुट्टी का दिन है, आज ऑफिस नहीं जाना है। तो आप लोग ये सोच लेंगे सुबह सुबह नहा धो के बंदा किधर तैयार हो गया, दाढ़ी वाड़ी एकदम ट्रिम ट्रिम करके। आज मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि अकेले घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गया हूँ मैं, और आज छुट्टी का दिन भी है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि देखो, उसी का ही कॉल आ गया। नाम दिखा दूँ आप लोगों को? चलो नाम नहीं दिखाता हूँ, वहीं पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है, तो मिलते हैं वहाँ पे। It's like no, 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 no. I never wanna get back to that state. Just waiting for you. Oh. अरे अभिनव कैसे हो भाई? ठीक हो? अंदर लगा लो भाई। ये आ गए बैंक से, आए हैं बैंक से, आए हैं पैसा पैसा देने, बहुत सारा। ये मेरा फ्रेंड बनी है और मैं आज इसके पास आया हूँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे इतना ज़्यादा बोर हो गए थे, और इसका घर मेरे घर से बहुत पास में ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके यहाँ जाया जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। ये क्या है भाई? ये तो डिजिटल क्या है, बहुत पुराना है। और निकॉन भाई, इसकी जो लेंस बाहर निकलती है ना, बंद करके ऑन करो एक बार, लेंस निकालो। ये भाई साहब, ये माउंटेड है और ये स्टिक मेरे ख्याल से 3 feet की है। भाई का रूम देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हैं ये सब क्या है? ये वुडवर्क बनी ने खुद ही किया है, खुद ही डिज़ाइन किया है और खुद ही क्राफ्ट किया है इसको। ये पहले नहीं थी, ये अभी लगे रिसेंटली। ये फ्रेम्स भी क्या तुमने खुद ही बनाए? ये चीज़, ये फ्रेम्स जो है, हाँ बनाए मैंने ये, लाइक ये आइसक्रीम स्टिक जो होती है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे बनाए। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस फोटोज को उसमें फिट किया हुआ है। लैपटॉप हमारा बड़ा शानदार है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? ओके, सामान जो इस समय जो पहने हुए ना, ये लौटते ही पहना था वहाँ जाके, हमने वहाँ पूरे भीग गए थे ऑलमोस्ट, मतलब जैकेट वगैरह भीग गई थी, डर लग रहा मार्च। मैंने खोला तुरंत और मैंने ऐसा किया, तब मैंने कहा, मैंने चाय वाले बैठा हुआ था, भाई चाय पिला, उसने इतना बड़ा कप था प्यारा सा, उसने करी गरम गरम चाय में दी, एक और दो एक और दो। तो बनी ने तो मुझे बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस दिखाई, जब वो कहाँ कहाँ गए थे, तो मनाली और इधर उधर का। मेरा 14 डेज का ट्रिप था, सबसे पहले कुल्लू, देन मनाली, रोहतांग, फिर कसौल, मनाला, फिर शिमला। तो अपनी पुरानी वीडियोस दिखा रहा था, देख के इतना मन हुआ कि भाई उधर जाओ, कब ये सब लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा भैया, मुझे भी जाना है। मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी कुछ दोस्तों का फोन आया, वो कह रहे हैं भाई आओ वीडियो कॉल पे आओ, आज सैटरडे है, सबकी छुट्टी है, किसी का वर्क फ्रॉम होम चल नहीं रहा है, वीकेंड पे छुट्टी सबकी होती है। तो हाय, कैसे हैं जनाब? ये किसको फोन मिला रहे हो? कौवा को, कौवा को, कौवा को उससे कहेंगे यार, कौवी से मिलाए कभी मिलाते ही नहीं है वो, कनेक्टिंग भाई, कनेक्टिंग। साले कितना सोएगा? अबे सोए थे, बिस्तर तोड़ दिया है, बिस्तर का जो शेप होता है ना, वो पूरा बदल दिया है सब सब। इन पबजी वालों का तो कुछ नहीं पता, साले दिन भर मोबाइल में लेकर के पबजी 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 खेलते रहते हैं। पबजी पबजी खोलो से खोलो। हाँ, ओहो भाई साहब, कपड़े सूख रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। कुछ लोग उधर देखो पतंग भी उड़ा रहे हैं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो। इधर बहुत मज़ा आ रहा है बनी के घर पे, अभी कुछ देर पहले ही लंच किया और अब आ गए हैं टेरेस पे। 5:05 बज रहा है, लेट हुआ है लंच, बहुत सारी बातचीत हुई अभी बनी के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तो इतने दिनों बाद घर पे अकेले एकदम परेशान होने के बाद कुछ नए लोग मिले, बातचीत हुई, बड़ा मज़ा आया, लंच बहुत शानदार था। थैंक्स अ लॉट बनी फॉर लंच, मज़ा आ गया भाई, इतने दिनों बाद घर का खाना खा के इतना मज़ा आ गया। तो अभी इधर टेरेस पे हैं, कुछ देर बैठेंगे, ये है हमारी सीट,
कितनी शानदार सीट है, एक सीट ये, दी अदर सीट इज दिस वन। हम इंडियन लोग इतने जुगाड़ू होते हैं भाई, किसी भी चीज़ में ना एकदम जुगाड़ उगाड़ फिट कर लेते हैं, एकदम अपना मामला मस्त बनाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने को। अब आगे का प्लान यही है कि थोड़ी देर और यहाँ बिताते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वापस बैक टू होम, वही पुरानी ज़िंदगी। लेकिन अभी कल का दिन भी बाकी है, कल संडे है, देखते हैं कल क्या हो सकता है। मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात इतनी गजब की नींद आई, बनी के घर से लौटने के बाद आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, कुछ भी होश नहीं था। आप लोग को भी कभी ऐसा होता है क्या, कहीं से घूमने फिरने के बाद वापस घर आओ एकदम ऐसे सोते हो जैसे भाई बेहोश पड़े हुए हो, कहीं पे कुछ भी होश नहीं है। ऑलमोस्ट पता नहीं कितने घंटे सोया मैं, 10 घंटे सोया क्या सोया मैं। जनरली मैं इतनी लंबी नींद लेता नहीं हूँ, लेकिन द टाइम इज 6:44 इन द मॉर्निंग। ऊपर टेरेस पे आ गया हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, फ्रेश एयर लेता हूँ। भाई देखो, मेरे लिए तो आज भी ये छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन आप लोगों का तो आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग, उनका तो संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी सारे भी दिन हैं सब एक जैसे संडे की तरह लगते होंगे। लेकिन भाई मेरा तो ऑफिस चल रहा है ना भाई, तो मेरे लिए आज का छुट्टी का दिन है, तो आज मैं उसको एंजॉय करेगा। देखता हूँ, शायद आज भी कहीं जाने का प्लान है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोग को वहाँ लेके चलूँगा। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सीजन का पहला वाटरमेलन लाया मैं कल, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था। आप लोग को भी पसंद है क्या, कमेंट करके मेरे को बताओ आप लोग को कौन सा फ्रूट्स पसंद है। गर्मी आ गई है, बहुत सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं मार्केट में, तो जब भी आप लोग जाओ बाहर कोई भी सामान ले लें, फ्रूट ज़रूर लेके आओ भाई, मज़ेदार चीज़ है, खासकर वाटरमेलन। खाओगे 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 खाओगे। तो ब्रेकफास्ट के बाद नहा धो के ऊपर आया अपनी टाल टेरेस पे सुखाने को, वैसे बालकनी भी है, बालकनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हुआ कि चलो टेरेस पे आते हैं, टेरेस पे सुखाने को डाल देते हैं। धूप कितनी तेज़ हो रही है, माय गॉड, आंखें ही नहीं खुल रही भाई, धूप इस तरफ आ जाता हूँ। तो अभी तैयार व्यार होके इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरे एक कॉलीग हैं, वो हमारे नेबर्स ही हैं, 2 से 3 मिनट का रास्ता है उनके घर का, तो उनके घर जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मे बी दोपहर शाम तक वापस आएँ। वो आ रहा है, आओगे? नहीं 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 खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ये क्या बन रहा है? दिस इज अमचूर की चटनी। वी डोंट हैव इमली इन दिस लॉकडाउन, सो वी आर काम चलाउइंग विद अमचूर। चलेगा चलेगा, गुड अमाउंट ऑफ देसी घी। बीच में किसी की भी नहीं आ रही थी, अब सब सबकी आ रही है, तो कोरोना हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो कोई गेम छोड़ के नहीं जाएगा, पहले समझ लो कोई गेम छोड़ के नहीं जाएगा, जिसकी कोई गेम छोड़ के नहीं जाएगा। अरे चल दीजिए चाल, मेरा भी चल दीजिएगा, कट गया कट गया, बहुत अच्छा। अरे यार ये क्या था, ये क्या था, 3 से कट रहा था क्या? हां तुम लोग 4-4 के बोले। Meanwhile, Master Chef. आपने बनाया पूरा राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये मेरे सर है जिनके बारे में बात कर रहा था, इन्होंने और इनकी वाइफ ने मिलके आज हम सब के लिए लजीज बिरयानी बनाई है। देखने में तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे यकीन है कि टेस्ट में भी उससे ज़्यादा ही लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। कितने? दो मेरे दो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, सिद्धार्थ सर के यहाँ जाके इतना मज़ा आया, सब लोग साथ में बैठे हुए थे, हमने इतनी मस्ती करी, हमने पत्ते खेले, हमने लूडो खेला, और वहाँ पे लंच किया सर ने और मैम ने, गजब की बिरयानी बनाई थी, वेजिटेरियन बिरयानी थी। कल से तो ऑफिस खुल जाएगा, मेरा मंडे है, सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम तो मेरा फिर से बिजी हो जाएगा,
तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वीकेंड पे थोड़ा थोड़ा अपने को लगता है कि हाँ क्या करें करके तो ऐसे चले गए। प्लीज़ मेक श्योर, मैं ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि लॉकडाउन तोड़िए और इधर उधर जाइए। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कल भी और आज भी उनके घर से अपने घर आते टाइम मैंने शूट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे हाथों में सामान था, आई हैड ग्रोसरीज एंड अदर स्टफ, तो मैं बाहर इसीलिए निकलता हूँ क्योंकि मेरे को ग्रोसरीज वगैरह लानी होती है। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने अपने कैमरे के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी थी, तो कुछ लोगों ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि भाई कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, जिनकी एक्सेसरीज के बारे में आप बात कर रहे थे लास्ट टाइम। मैं GoPro का Hero 8 Black यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड कैमरा, इट्स अ वेरी गुड एक्शन कैमरा। अगर आप लोग कोई एक एक्शन कैमरा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। थम्स अप फॉर दैट। वे टू गो GoPro, वे टू गो। मैं भी ऊपर टेरिस पे आ गया हूँ, इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, मौसम का मज़ा लूँगा। बारिश हो गई है इधर, आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा गीला गीला है। बादल देखो भाई साहब कितने मस्त बादल। यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको व्लॉग्स कैसे लगे। आप लोगों का जब कमेंट आता है मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि यस लोग मुझे देख रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आ रही हूँ, वो मेरे को कमेंट करके लोग बताएं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ हो जो आप लोग स्पेसिफिकली मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन द वीडियो। विद दैट सेड, घूमिए फिरिए इंजॉय करिए। हाँ राइट नॉट घूमिए फिरिए इंजॉय करिए, लास्ट व्लॉग को मैंने एंड करते वक्त ये बोला था कि घूमिए फिरिए इंजॉय करिए, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो घूमिए फिरिए इंजॉय करिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो गलत मैसेज जाता है, ऐसा लगेगा कि तुम सबको बोल रहे हो कि ठीक है बाहर जाओ और ऐसे वैसे। तो हाँ ठीक है, अभी मत घूमो फिरो, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर के बाहर निकलो, लेकिन इंजॉय ज़रूर करो भले ही घर पर बैठे हुए हो तो भी। विद दैट सेड, अलविदा आप लोगों से, मिलते हैं किसी और जगह, तब तक के लिए bye-bye. Your love, your love, your love.